तो गाइस कैसे हो तुम लोग। आज हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 10s के बारे में। क्या ये फ़ोन 2022 में लेना बेस्ट रहेगा अंडर 11 के रेंज, क्योंकि गाइस गेमिंग फ़ोन चाहिए तुम्हें और तुम्हारा बजट भी जो है वो 11 के आसपास है, तो ऑब्वियसली कंपैरिजन और कंप्रोमाइजेशन दोनों होता है इस बजट पे। लेकिन ये जो फ़ोन निकल के आता है वो इस बजट पे भी काफ़ी ज़्यादा तगड़े फीचर के साथ आता है। लिटरली मैं पर्सनली इस फ़ोन को यूज़ करता हूँ और बता दूँ मैं कि इसमें स्पेसिफिकेशंस के नाम पे तुम्हें बढ़ बढ़ के सब कुछ देखने को मिल जाता है 11,000 के अंदर ही। और इसका जो कैमरा है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे लगा, 64 मेगापिक्सल में जो पिक्चर्स आते हैं ना काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आते हैं। और इसकी जो बैटरी वो 5000 mAh की है और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो लगा हुआ है मीडियाटेक का G95 प्रोसेसर, जो पुराना तो है लेकिन वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्रोसेसर है मीडियाटेक के तरफ से। और लिटरली गाइस इसके अंदर गेमिंग में तुम्हें एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेस्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर तुम्हें जो ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं वो PUBG BGMI में मिल जाते हैं स्मूथ पे एक्सट्रीम, ठीक है। अगर तुम फालतू के अपडेट्स जो आते रहते हैं कंपनी की तरफ से उसको नहीं करोगे, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर तुम डब्बे से ही जो फ़ोन निकल के अपडेट के साथ आता है उस फ़ोन पे खेलोगे तुम विदाउट एनी अपडेट, तो लिटरली तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर मिलने वाला है। लेकिन अगर तुम इस फ़ोन को अपडेट कर लेते हो तब तुम्हारा गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा घटिया होने वाला है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुम जो डब्बे के साथ अपडेट आता है मतलब विदाउट एनी अपडेट गेम को खेलते हो तो सारे ही गेम्स तुम्हारे काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ चलने वाले हैं, विथ बेटर ग्राफिक्स चलने वाला है, बेटर FPS चलने वाला है। और स्पेशली अगर BGMI की भी हम लोग बात कर ले, जिसका मैं ज़्यादा प्रो तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक मैं अच्छा खेल लेता हूँ BGMI को, तो मैं पर्सनल इसी फ़ोन में कोई भी कस्टम भी खेलता हूँ, कॉम्पिटिटिव भी खेलता हूँ। और मेरा जो फ़ोन है वो डब्बे से जैसा निकला वैसे ही है, उस पर मैंने कोई भी अपडेट नहीं किया है और लिटरली काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलता है मुझे इसमें गेमिंग, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा बेटर गेम प्ले मैं कर पाता हूँ एज़ कम्पेरिजन टू मेरे अदर दोस्त जो हर एक अपडेट को एज अ सीरियस सिक्योरिटी पैच लेकर के अपडेट करते हैं, क्योंकि उनका FPS जो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होता है। लेकिन मेरे फ़ोन के अंदर ऐसा कोई खासा सीन देखने को नहीं मिलता है। और ये फ़ोन जो है 2023 में अगर तुम्हारा बजट 11K से नीचे है तो वन ऑफ द बेस्टेस्ट फ़ोन है, वन ऑफ द बेस्टेस्ट क्या, ओनली द बेस्ट फ़ोन है, ठीक है। क्योंकि ये 10K 11K के प्राइस रेंज में और कोई भी मेरे नज़र में ऐसा फ़ोन नहीं है जो तुम्हें स्मूथ पे सबसे पहले तो एक्सट्रीम चला के दे दे, HDR पे अल्ट्रा दे दे, जिससे तुम्हारे वीडियो भी अच्छी रिकॉर्ड हो जाए और स्मूथ पे एक्सट्रीम पे गेम प्ले भी काफ़ी सही हो जाए। और इसके अंदर बात कर ली जाए जायरो डीले की, तो घंटा लोग तो बोलते हैं जायरो डीले होता है लेकिन मुझे ऐसा कोई भी कभी भी एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिला, कोई भी जायरो डीले अंदर मुझे देखने को नहीं मिला। और बात कर ली जाए चार्जिंग स्पीड की, तो काफ़ी सही है, तुम्हें 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर देता है और 5000 mAh की बैटरी है, तो जल्दी डिस्चार्ज भी नहीं होता फोन, तो लिटरली चार्जिंग के बारे में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और बात कर ली जाए गाइस लिटरली अगर रेडमी नोट 10s की बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप भी काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। लिटरली तुम इसमें 4 से 5 घंटे इजीली फुल ब्रूटल गेम खेल सकते हो विदाउट फैन के खेलोगे, तुम्हें थोड़ा सा लैग जैसा हीट जैसा फील होगा, लेकिन अगर फैंस के साथ खेल रहे हो ना कोई हीट फील होगा ना कोई लैग फील होगा, मस्त तुम्हारा गेम चलने भी वाला और तुम इजीली इसमें ग्राइंड भी कर सकते हो। और अगर तुम्हारा बजट 11K से नीचे है तो सबसे बेस्ट फोन है, तुम्हें लेना ही लेना चाहिए। और आज की वीडियो अगर तुम्हें थोड़ी सी भी इतनी सी भी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक का बटन भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा नीचे दबा देना, और लिटरली गाइस कमेंट में अपना जेन्युइन रिव्यू देना तुम्हें वीडियो कैसी लगी है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।